नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। एक तरफ बिहार सरकार जिले के सभी अस्पतालों में एक से बढ़कर एक सुविधा दिन प्रतिदिन देती जा रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस सुविधा की सरेआम धज्जिया उड़ा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान प्रखंड के चैनपुर अस्पताल की, जहाँ अस्पताल सिर्फ नाम का है। आपको बता दें कि यहाँ अस्पताल हफ्ते में 2 से 3 दिन खुलता है, बाकी दिन ताले लटके रहते हैं, और तो और यहाँ दवा भी नहीं मिलती। आपको बता दें कि अगर चैनपुर में कोई बीमार हो जाए तो उसे सिसवन या सिवान ले जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यह तस्वीर, सुबह के 11 बज रहे हैं और अस्पताल में ताले पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आज तक कोई अस्पताल प्रशासन देखने तक नहीं आया, शायद कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे यहाँ हमारे सदर अस्पताल जो कि आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे है, इसकी लचर व्यवस्था काफ़ी हो गई है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बैठता है और दवाई भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ के जितने ग्रामीण जनते हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा प्राइवेट जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है तो सिसवन जाना पड़ता है, अगर वहाँ से नहीं हुई तो रेफर करके सिवान भेज दिया जाता है। यहाँ तक यहाँ के एमपी और मंत्री भी हैं, कोई सुनवाई नहीं कर पाया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे इतने दिनों से इसका यही हाल है और कुछ नहीं हो पाया।